कैसे हैं आप सब फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, सो जल्दी से सारे लाइव आ जाओ, देखते हैं कौन कौन आ गया और ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। चलो ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। हाय, गुड इवनिंग दिलेर, गुड इवनिंग। जल्दी सभी बच्चे आ जाए, आ जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही आते हैं वैसे। हेलो निक्की, हेलो नेहा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून निक्की, गुड इवनिंग, गुड ई, गुड आफ्टरनून साबी, साबी शेर। चलो जल्दी से सारे एक बार जल्दी आ जाओ, देन स्टार्ट करेंगे क्लास को आज की। ठीक है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पर, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, मैं एक वेरीफाइड एडुकेटर हूँ। ठीक है, तो अभी जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, तो ये वाले चल रहे हैं जो आप लोग देख रहे होंगे, कोर्स ऑन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, ये वाला कोर्स चल रहा है और प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर थ्रू द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। बैच कोर्स देखो, ये वाला जो है क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आने के लिए आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा अगर आप प्लस में पढ़ना चाहते हो। यहाँ पर अभी आप लोगों को पेपर वन भी मिल रहा है, पेपर वन का कोर्स जो है अभी 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों को कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, पेपर वन पेपर टू दोनों, तो यहाँ पर आप लोग देखो पेपर वन पेपर टू ये मिलेगा आप लोगों को, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, साथ ही साथ वीकली क्विजेस भी मिलेंगे। ठीक है, वीकली क्विजेस के लिए भी आ सकते हो, वीकली क्विजेस भी आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग आ सकते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, प्लस में और रेगुलर स्टडी कर सकते हैं। अगर जो बच्चे प्लस में आना चाहते हैं तो वो मेरा रेफरल कोड है मीनाक्षी लाइफ। ठीक है, मीनाक्षी लाइफ, तो आप ये यूज करो मीनाक्षी लाइफ, एंड 10% ऑफ मिलेगा आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, 10% ऑफ मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे, तो इसको यूज करने के बाद। ठीक है, तो जो बच्चे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। चलो ज़्यादातर बच्चे आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही थी पेपर वन का जो है ना, अभी एक न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है 10 तारीख से ही, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। जो बच्चे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, मीनाक्षी लाइव यूज़ करके 10% ऑफ पाके आप लोग आ सकते हो। और पेपर टू पॉलिटिकल साइंस मैं टीच कर रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर जो है आप लोगों को वो पोल में करने हैं, सॉरी इसमें कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, हिंदी देखना हो किसी बच्चे को तो बता देना। फर्स्ट पेपर के लिए अभी जो क्लास स्टार्ट हुआ है,
ठीक है, तो वो अभी स्टार्ट हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 मिनट रुकना। चलो इसमें दिख जाएगा आपको। देखिए ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है अभी, ठीक है, जो ये वाला है ये 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ये हिंदी वाला है। जिन बच्चों को हिंदी में करना है तो वो हिंदी वाले कर सकते हैं। इसमें जो बैच कोर्स है ये वाला, तो ये पेपर 1 का मिलेगा आप लोगों को, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, 2 एडुकेटर इसमें मिलकर करवाएंगे, ठीक है, नव मैम एंड विशाल सर, ठीक है, नव मैम एंड विशाल सर आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे इसमें पेपर 1 का। और पेपर 2 में अगर आपका इंग्लिश है तो आप लोग इंग्लिश में भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो वो नाला सर है, निहारिका मैम है, ठीक है, ये आप लोगों को पेपर 1 कराएंगी इंग्लिश में। तो जिन बच्चों का इंग्लिश में है तो वो भी आ सकते हैं, और जो हिंदी में है वो भी आ सकते हैं, ठीक है, यही चीज बता रही थी मैं आप लोगों को। चलो इसका आंसर और किसी को देना है, इस क्वेश्चन का आंसर और किसी बच्चे को करना है तो जल्दी बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य केवल ये दिखाने के लिए नहीं है कि राजनीतिक अभ्यास क्या है, बल्कि ये दिखाने के लिए इसका क्या मतलब है, ये दिखाने के लिए अभ्यास का क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, राजनीति सिद्धांत ये बदल सकता है कि क्या है, है ना। क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख सकते हो, एन प्रोमिनेंट एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी इज ओनली शो दैट व्हाट अ पॉलिटिकल प्रैक्टिस इज, बट ऑल्सो टू शो व्हाट इज मीन्स इन शोइंग व्हाट इज अ प्रैक्टिस मीन्स और व्हाट इट ऑट टू बी मीन। पॉलिटिकल थ्योरी कैन अल्टर व्हाट इट इज, तो ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जी एस सेबाइन इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया था उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए किस किसने दिया था, नेहा ने दिया था, दिलेर ने दिया था, ठीक है, बस 2 बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड किया, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्राइब इन द थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र, इसको आप धर्मशास्त्र लिए भी लिख सकते हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसमें एक ई भी होगा आई थिंक, ऑल ऑफ अबव करके ई भी इसमें, ठीक है, ऑल ऑफ अबव भी करके है। अब दो आंसर, एक बार रिफ्रेश कर, एक बार दोबारा आओ सभी बच्चे, एक बार दोबारा आओ। यस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो धर्मशास्त्र के अंदर आश्रम, नॉन वायलेंस, वर्णा, प्रॉपर गोल ऑफ लाइफ, इन सभी चीज का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट, इसका आंसर प्रोवाइड करो हिंदी।
पीटर बेन चाहिए, ठीक है। ये ह्यूमन और ये डेल है। डी होगा इसका करेक्ट आंसर। और किसी बच्चे को आंसर करना है? ठीक है, नेहा का ए है, अमिता का बी है, निक्की का डी है। और किसी बच्चे को आंसर करना है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए सिर्फ नेहा ने दिया है, वेरी गुड नेहा। क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्प्यूटेड दैट द व्यू दैट ह्यूमन बिहेवियर कुड बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब विदाउट रेफरेंस टू द इंटेंशन मोटिव एंड रीजन ऑफ द एक्टर्स इन्वॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा? पीटर विंच। पीटर विंच इज द राइट आंसर। पीटर विंच जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला इसमें मैच करना है, ठीक है, इसमें आपको टाइम मिल जाएगा। ध्यान से देखो, वेरी गुड। देखो जल्दी से देखो, वेरी गुड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑथर्स दिए हुए हैं और कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ठीक है, वेरी गुड। आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। दीपक लिथोन का है सी, नेहा का सी, बाकी बच्चे भी आंसर करो, वेरी गुड। निक्की का सी है, निशांत का सी है। और किसी बच्चे को आंसर करना है? दिलेर का भी सी है, ठीक है। और कोई बच्चा? चलो आंसर देख लेते हैं इसका। देखो ऑथर्स दिए हुए थे और कॉन्सेप्ट दिए हुए थे। इसमें अगर हिंदी में किसी को देखना है तो हिंदी में भी देख सकते हो, ये हिंदी में है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा वो बिल्कुल सी ही होगा, आप सबने बिल्कुल ठीक दिया है। जॉन रॉल्स को होगा जस्टिस एज फेयरनेस, तो आपको पता है थर्ड यहाँ भी है, थर्ड यहाँ भी है, तो ये वाले काट दो, ठीक है। अब आपको देखना है कि इन्हीं में से कौन सा होगा, है ना। तो जॉन सी इनका हो जाएगा आपका द मैक्सिमन प्रिंसिपल, रिचार्ड का हो जाएगा प्राइमरी गोल्स रिकंसिडर्ड, और एलेक्स का हो जाएगा इक्वालिटी ऑफ वॉट, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ वॉट। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया ये। तो बच्चों बुक्स ध्यान रखना, ठीक है, ऑथर और कॉन्सेप्ट इनके ध्यान रखने हैं। ये ऑथर जो कॉन्सेप्ट होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। एक बार यस करके बताइए, वेरी गुड। फिर चलते हैं आगे। फिर अभी आपकी 4 बजे भी क्लास है, ठीक है, 4 से 5 कि कौन सी है स्पेशल क्लास। चलिए ठीक है, ओके।
ए होगा इसका, ठीक है, निशांत का बी है, सॉरी हिंदी देख लीजिए, सॉरी इसका आंसर किसी और बच्चे को देना है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है लेनिन प्रोड्यूस करते एक न्यू थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशनरी फंक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल रीजन, कहता है द आइडिया एंड नॉट द मटेरियल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन आर द इफेक्टिव कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। यानी लेनिन ने बुद्धिजीवी और क्रांतिकारी कार्य का नया सिद्धांत तैयार किया क्योंकि विचार और उत्पादन की भौतिक परिस्थितियां क्रांति के प्रभावी कारण नहीं है इस वजह से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए जो आएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी असर्शन रीजन का बिल्कुल ठीक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सो किस किस ने दिया राइट आंसर, नेहा ने, दीपक ने, निक्की ने, सभी ने, ठीक है, दिलेर ने, जितेंद्र ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसका बताओ क्वेश्चन का आंसर। हिंदी दिखा दिए, हिंदी देख लीजिए, और किसी बच्चे को आंसर करना है। ठीक है, कोई बोल रहा है अरविंद और कोई बोल रहा है महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो महात्मा गांधी जी है, ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों सी है, सी कौन बोलते हैं ये, ठीक है। नेहा का करेक्ट आंसर है, निक्की का करेक्ट आंसर है और अमिता का करेक्ट आंसर है, ठीक है, और शेर नगीना का भी बिल्कुल सही आंसर। मैम अगर प्लस कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो सभी एडुकेटर की क्लास मिलेगी, हाँ बिल्कुल सभी एडुकेटर की क्लास मिलती है उसमें, ठीक है, आप मतलब जितने भी एडुकेटर हैं सबकी क्लास वहां पर देख सकते हो, सबकी क्लासेस मिल जाएंगी अगर आप प्लस के अंदर ऐड होते हो तो। प्लस के अंदर ऐड होने का तरीका बता देती हूँ, देखो प्लस टैब में जाके वहां पर क्या करते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं, ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर वहां से आपको जितने मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, ठीक है, 12 मंथ का, 24 मंथ का, जितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो वहां से लेकर आ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप 10% ऑफ चाहते हो, 10% का
ठीक है 10% ऑफ चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, मेरा रेफरल कोड इज मीनाक्षी लाइफ, मीनाक्षी लाइफ, ठीक है। अगर आप इसे यूज करते हो देन आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, प्लस अपने क्रेडिट्स भी यूज कर लेना, आपका जो प्राइजेस होंगे वो बहुत ही रिजनेबल उसमें आ जाएंगे, ठीक है। सबकी क्लासेस मिलेंगी, पेपर वन में जो भी एडुकेटर, पेपर टू में सभी जितने भी एडुकेटर है सबकी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों ये कौन बोलते हैं, कौन डिक्लेयर करते हैं कि मेरे लिए मोरल और एथिक्स एंड रिलीजन आर कन्वर्टेबल टर्म्स, अ मोरल लाइफ विदाउट रेफरेंस टू रिलीजन इज लाइक अ हाउस बिल्ट अपॉन सैंड, ठीक है। महात्मा गांधी है, कौन बोल रहे हैं, महात्मा गांधी की मेरे लिए नैतिकता, ठीक है, नैतिकता और धर्म परिवर्तनीय शब्द है। धर्म के संदर्भ में एक नैतिक जीवन क्या है, रेत पर बने घर की तरह है, अगर वहां पर क्या नहीं है, धर्म के संदर्भ में बिना, धर्म के संदर्भ के बिना अगर वहां पर रिलीजन नहीं है, अगर वहां रिलीजन नहीं है तो वो नैतिक जीवन कैसा हो जाएगा, वो एक तरह से वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रूबी, आप भी आंसर करना। कोई बात नहीं बच्ची, आप आ सकते हो, ठीक है, आप आके अच्छे से तैयारी कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। अभी जो आपको अभी टाइम मिला है ना सभी बच्चों को, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना नेट जीआरएफ इसी साल निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो, इस अपॉर्चुनिटी को बेनिफिट उठाओ उसका, ठीक है। डेट नहीं आई है, डेट नहीं आई है आपकी, ठीक है। जुलाई में बोल रहे हैं कि जुलाई में होगा, लेकिन डेट नहीं आई है। अब अगर सिचुएशन हैंडल नहीं होती है ना तो शायद जुलाई में भी ना हो, अगर सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं पाया गया तो शायद जुलाई में भी ना हो एग्जाम आपका, इसलिए सिर्फ अभी अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, ठीक है। आप तैयार रहो, एग्जाम फिर कभी भी हो जाए, आपको तैयार रहना है एग्जाम के लिए। अनअकैडमी भी क्लास है 4 बजे, 4 बजे क्लास है, यहीं से तुरंत हम लोग अनअकैडमी पे चलेंगे, ठीक है। अच्छा एग्जाम में वो आपकी न्यूज़पेपर में आया था, आप में से किसी बच्चे ने बताया था, मैंने देखा भी था, तो उसमें जुलाई में बोला गया है, ठीक है। अभी प्लीज अपनी तैयारी पे ध्यान दो, हिंदी में भी दिखा दूं, लो आंसर करो, आप आंसर करो, वेरी गुड। डेली तो होती है, डेली क्लास होती है 4 बजे, स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर डेली होती है 4 बजे। आंसर करो, आंसर करो फटाफट जल्दी से, कुछ ही बच्चों का आंसर आया है, 6 का है, 6 दिलेर ने का आया है, लितोन का आया है, निशांत का आया है, दीपक का आया है, और किसी बच्चे को आंसर करना है तो जल्दी करो, फिर आंसर बता रही हूँ मैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरी गुड। आप इसको कैसे कर सकते थे, रिपब्लिक से कर सकते थे आराम से, रिपब्लिक से स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा, ठीक है, सिंपोजियम का हो जाएगा, मेटाफिजिक्स ऑफ लव, फिलेबस का हो जाएगा,
एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ द आइडियाज और स्फीयर ऑफ एथिक्स, और टाइमियस का हो जाएगा, ठीक है, टाइमियस सी वाला हो जाएगा आपका स्फीयर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। नहीं नहीं यूट्यूब पे डेली नहीं होती, बस एक क्लास और होगी परसों, वो लास्ट क्लास होगी, ठीक है, उसके बाद फिर ख़त्म यूट्यूब वाली। अनअकैडमी पर डेली क्लास होती है फ्री स्पेशल, वहाँ आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो स्टेटमेंट दी हुई है, असर्शन एंड रीजन, सिलेक्ट करना है आपको करेक्ट आंसर। हिंदी दिखा रही हूँ, ठीक है, आंसर दो, वेरी गुड, ठीक है, सबको ए लग रहा है इसका। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर को। क्वेश्चन कहता है, अरस्तु की कोई वास्तविक समझ इस मत का समर्थन नहीं कर सकती कि उनकी दार्शनिक प्रणाली प्लेटो के विपरीत थी। मतलब समझने वाली बात है कि यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि भाई जो प्लेटो थे, जैसे अगर मान लो जैसे हमारे टीचर होते हैं, जैसे मैं आपकी टीचर हूँ, ठीक है, आप भी कभी टीचर बनोगे तो जो आपके डिसिपल होंगे या आप मेरे डिसिपल हो, ठीक है, आप मेरे शिष्य हो या आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं जैसे मैं कुछ आपको बताती हूँ तो वो आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है, एक तरह से। मतलब अरस्तु की कोई वास्तविक समझ थे तो भाई प्लेटो जो थे तो एरिस्टोटल के ही गुरु थे, तो एरिस्टोटल के गुरु है ना, शिष्य थे ना इनके एरिस्टोटल। तो अगर हम देखें इन्होंने ये नहीं बोल सकते कि मैंने उनसे कुछ नहीं सीखा, ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि मैंने प्लेटो से कुछ नहीं सीखा, नहीं, ये मतलब वही चीज बोल रहे हैं, अरस्तु की वास्तविक समझ इस मत का समर्थन नहीं कर सकती कि उनकी जो फिलोसफी थी वो बिल्कुल प्लेटो के विपरीत थी। ये गलत, ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये तो वैसे बोला हो, एक तरह से यहाँ पर बिल्कुल ये ठीक है कि प्लेटो के विपरीत, वो ऐसा नहीं बोल रहे, वो समर्थन नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। अब देखो क्योंकि अरस्तु की प्रणाली प्लेटो की प्रणाली के दोषों से मुक्त आदर्शवाद के दर्शन का प्रयास है, क्योंकि जो एरिस्टोटल क्या करते हैं, एरिस्टोटल प्लेटो को देखते हैं कि प्लेटो ने जो जो मतलब प्लेटो के आदर्शवाद में कमियां हैं, प्लेटो के आइडलिज्म में कमियां हैं, ठीक है, प्लेटो जो आइडल है, आइडल स्टेट है इनका, एक तरह से जो मतलब इसमें जो उनकी कमियां हैं उस कमियों को ये पूरा करते हैं, ठीक है, उन कमियों को देखते हैं और उन कमियों को पूरा करते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, जो अरस्तु की प्रणाली प्लेटो की प्रणाली से दोषों से मुक्त आदर्शवाद के दर्शन पर का प्रयास, एक अच्छा, ठीक है बेटा। नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको ये आप इसे कितनी बार भी देख सकते हो, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है, यही आप लोगों का अनअकैडमी पे चलता है, यही आपका इस पे चलता है यूट्यूब पे, ठीक है। अगर आप प्लस में आते हो तब आपको नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड होंगे, ठीक है, वरना ये इस क्लासेस के नहीं होते, ये फ्री है इस वजह से, ठीक है। आप इसकी जो भी आपको ये करना है आप इसको देखो बार बार, कितनी बार भी देखना है देखो सेव करके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस वजह से हो जाएगा क्योंकि नो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिस्टोटल कैन एंडोर्स ओपिनियन दैट हिज फिलोसॉफिकल सिस्टम अपोजिट ऑफ प्लेटो, अपोजिट नहीं है एक तरह से, एरिस्टोटल सिस्टम जो है बस इनके आइडियलिज्म को क्या करता है, दोषों से मुक्त करता है, ठीक है, बस ये चीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज
डेफिनेशन ऑफ ए। समझ आया? किस किस को समझ आया? जिसको अगर रिपीट करने के लिए बोलना है, नहीं समझ आया हो तो वो मुझे बता सकता है, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो चलो, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखो इस क्वेश्चन को, चलो वेरी गुड, समझ आ गया। चलो वेरी गुड, चलो ये वाला देखिए। हिंदी देखनी है, ठीक है? ए आ रहा है, हिंदी देख लो। अगर हिंदी देखनी है किसी बच्चे को तो और किसी को आंसर करना है? आंसर डिस्कस करें इसका, ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए दो कथन है, एक आपको अभी कथन नजर आ रहा है और एक दिख रहा है कारण, ठीक है? तो ये क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि मैकियावेली स्टैंड है फॉर डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरल्स, वन ऑफ रूलर अनदर ऑफ प्राइवेट सिटीजन, ठीक है? तो जो रूलर है, द रूलर एज अ क्रिएटर ऑफ द स्टेट, जो रूलर है वो कौन है? क्रिएटर ऑफ द स्टेट इज नॉट ओनली आउटसाइड द लॉ एंड आउटसाइड मोरलिटी एज वेल। वो अपने जो राजा है, जो उनका प्रिंस है मैकियावेली का, तो अपने प्रिंस को क्या है, लॉ से और साथ ही साथ मोरलिटी नैतिकता से भी क्या रखते हैं, बाहर रखते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है? क्योंकि मैकियावेली यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखो हिंदी में भी समझ लो, हिंदी में भी समझ लो कि मैकियावेली नैतिकता के दोहरे मानक के लिए खड़े हैं। एक तो शासक के लिए बोलते हैं, दूसरे निजी नागरिक के लिए बोलते हैं। तो शासक जो है वो राज्य के निर्माता के रूप में है, ना केवल कानून से बाहर है बल्कि वो नैतिकता के भी बाहर है। वो अपने प्रिंस को क्या करते हैं, मोरालिटी के भी बाहर रखते हैं, ठीक है? नैतिकता के भी बाहर रखा है उन्होंने, तो इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। ये वाला देखो क्वेश्चन, चलो उसका करेक्ट आंसर जो दिया था, बाकी सभी बच्चों ने दिया था, नेहा, स्वाति, दीपक, दिलेर, लितोन, जितेंद्र, सभी, निक्की, रूबी, वेरी गुड। चलो नाइन का भी आंसर आना स्टार्ट हो गया है, नेहा ने दिया है, दीपक ने दिया है, लितोन, ठीक है? हिंदी दिखा दूं दिलेर? चलो हिंदी दिखा रही हूँ, ये लो।
जितेंद्र रूसो होगा इसका, नेहा का ए है मैक्यावली, बाकी सबका हॉब्स है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है कि हुज आइडियाज ऑफ द फॉलोइंग वर इनकॉर्पोरेटेड इन द फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक कट्टरपंथ में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये कौन है, ये उपयोगितावाद के दार्शनिक कट्टरपंथ में किसके विचारों को शामिल किया गया, मैकियावेली के? नहीं, थॉमस हॉब्स के। किसके? थॉमस हॉब्स। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, थॉमस हॉब्स इज द राइट आंसर, थॉमस हॉब्स थे। ठीक है, तो किस किस ने करेक्ट आंसर दिया है? करेक्ट आंसर दिया है नेहा ने, दीपक ने, लितोन ने, दिलेर ने और नगीना। वेरी गुड। ठीक है, और रूबी ने। वेरी गुड। ठीक है, थॉमस हॉब्स क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। ये क्वेश्चन देखो, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम, बेंथम जेरेमी बेंथम को बोला जाता है ना, उन्होंने बोला है इस पे सबसे पहले। ठीक है, टेंथ का डी होगा। चलो इसका देखो क्वेश्चन क्या कहता है, धर्म सूत्रों को धर्म का मार्गदर्शन कहा जाता है क्योंकि इसका कारण है व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार की वजह से, नैतिक मानदंड की वजह से, सिविल और आपराधिक कानूनों की वजह से। तो राइट आंसर ऊपर के सभी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऊपर के सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर प्रीति ने दिया है, दीपक ने, नेहा ने। ठीक है, जितेंद्र का भी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। हिंदी दिखानी है, हिंदी देखनी है तो हिंदी देख सकते हो, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं। वेरी गुड। प्रीति को सी लग रहा है।
ठीक है चलो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। कार्ल मार्क्स की व्याख्या कुछ लोग आर्थिक निर्धारक के रूप में करते हैं तो कुछ मानवीय समाजवादी के रूप में। अब क्या है एक तरह से कार्ल मार्क्स जो अगर हम देखें, कार्ल मार्क्स इज अ इंटरप्रेटेड बाय सम एज एन इकोनॉमिक डिटरमिनिस्ट बाय अदर एज अ ह्यूमन सोशलिस्ट। ठीक है कुछ करते हैं अगर हम देखें कार्ल मार्क्स इंटरप्रेटेड बाय सम एज इकोनॉमिक डिटरमिनिस्ट के तौर पे और अदर ह्यूमनिस्ट सोशलिस्ट के तौर पे, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम वाइड रेंज एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ हिज ओन राइटिंग, क्योंकि उनके खुद के लेखन से ही समस्या उपजी है। उनका जो उनका समस्या उनके लेखन की विस्तृत श्रृंखला और जटिल प्रकृति जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उनके राइटिंग्स में, इससे वो समस्या उपजी है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है इसका, जैसे स्वाति हो गई, दीपक हो गया, नेहा हो गई, ठीक है नेहा तिवारी हो गई, दिलेर, ठीक है तो इन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी जो बच्चे सी दे रहे हैं, बच्चे ध्यान रखना कार्ल मार्क्स को, ठीक है कार्ल मार्क्स को इंटरप्रेट किया जाता है, कुछ इकोनॉमिक डिटरमिनिस्ट बोलते हैं, कुछ ह्यूमन सोशलिस्ट बोलते हैं, तो क्योंकि उनके ना कॉम्प्लेक्स और नेचर जो उनका राइटिंग का, इस वजह से रेंज एंड कॉम्प्लेक्स नेचर जो है उनकी राइटिंग का, इस वजह से। क्लियर सब बच्चों को समझ आया, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, प्लीज बताना मुझे, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है चलिए ओके ठीक है आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए फिर बताना है कमेंट बॉक्स में। हिंदी देखनी है, हिंदी देख लो। ठीक है बच्चों के आंसर आ गए हैं, स्वाति का सी है, नेहा सी, रश्मि डी है, नेहा तिवारी सी, और दिलेर का सी है, रश्मि डी, दीपक सी, प्रीति सी। मैम सी एस आई आर नेट एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड है? बेटा उनका भी वो भी तो ऑनलाइन ही होता है ना, इसमें है सी एस आई आर वाला जो है ना उसका है, तो आप एन टी जो अनअकैडमी ऐप करना, ठीक है अनअकैडमी ऐप करना, उसके अंदर अपना जो गोल है ना पहले गोल चुनना होता है, तो ये तो एन टी ए यू जी सी नेट है। ठीक है सी एस आई आर वाला जो आप बोल रहे हो उसके लिए गोल चुन के वहाँ से फिर आपको टीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है तो वहाँ से चले जाना उन पर, वो भी ऑनलाइन वाला ऑनलाइन ही होता है। ठीक है वो भी ऑनलाइन ही होता है, ये साइंस वालों का होता है ना। चलो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति के विनिमय और संरक्षण के लिए इस तरह के कानून को निष्पादन में समुदाय के बल को नियोजित करने के परिभाषित किया, और ये सब किस वजह से है, ये सब जनता की भलाई के लिए, किस लिए, जनता की भलाई के लिए। अब ये हैं कौन, कौन है ये है जॉन लॉक।
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सी बोला है आंसर, अब देखते हैं सी किस किस ने बोला है। स्वाति ठीक है, नेहा का ठीक है आंसर, नेहा तिवारी का भी ठीक है, दिलेर का भी ठीक है, दीपक का ठीक है, प्रीति का ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का आंसर ठीक नहीं है वो एक बार यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि विचारधारा पूरे सामाजिक विज्ञान में सबसे मायावी अवधारणा है? तो ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं डेविड मैकलीन। कौन बोलते हैं? डेविड मैकलीन। तो डेविड मैकलीन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि आइडियोलॉजी जो होती है ना, आइडियोलॉजी मोस्ट इल्यूसिव कॉन्सेप्ट है पूरे होल ऑफ सोशल साइंस में, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। वेरी गुड, जिन बच्चों ने बी दिया है उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करना है, इसमें आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगानी है बुक्स को, ठीक है, बुक्स अरविंदो जी की हैं, लव एंड डेथ, लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, सावित्री। देखो क्या होगा करेक्ट आंसर। और किसी बच्चे को आंसर करना है? हिंदी दिखा दूं?
बी होगा, डी होगा, सी होगा। कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। इसका राइट आंसर ए बी डी सी होगा। ठीक है, सबसे पहले आएगी आपकी लव एंड डेथ, फिर आपकी आएगी द लाइफ डिवाइन, फिर आएगी सावित्री। ठीक है, थर्ड नंबर पे, और सबसे लास्ट में आएगी एस्से ऑन गीता। ठीक है, इसके ईयर बताइए, वेरी गुड, ईयर बताइए इसके, जिन जिन बच्चों को ईयर पता है, फिर ईयर ईयर के अकॉर्डिंग भी करते हैं। ठीक है, ईयर भी ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वेरी गुड, सावित्री वाली जो बुक है यह है 1940 की। ठीक है, द लाइफ डिवाइन वाली जो है ये 1919 की है, 1919 की। ठीक है, और जो एस्से ऑन गीता है ये 1922 की है। ठीक है, और जो आपकी लव एंड डेथ है, ठीक है, इसका एक बार देख लेना। ठीक है, इसका आप लोग एक बार देख लेना यार। ठीक है, ये वाला लव एंड डेथ 1921 की है। चलो ठीक है, एक बार लेकिन फिर भी चेक कर लेना। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेना, 1921 लिख देते हैं लेकिन चेक कर लेना एक बार। ठीक है, बाकी तो मैंने बिल्कुल ये वाली ठीक बताई, 1921 वाली चेक कर लेना। हो गया क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये वाला बताओ, क्या सावित्री लास्ट है? हाँ तब, अच्छा हाँ डी करके, सही कह रहे हो। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, इसे ठीक कर लेंगे। कैसे हो जाएगा ये बी होगा पहले, फिर सी होगा ए अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग फिर सी और फिर डी, बी ए सी डी हो जाएगा ना। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, हिंदी दिखा दूं? हिंदी नहीं है इसकी, आई थिंक हिंदी नहीं है इसकी। देखो क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, ये वाला लिबरल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। तो लिबरल थॉट फोकस करते हैं नीड और इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। अब जहां पर इंडिविजुअल आ गया वो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लिबरल डिजायर टू क्रिएट सोसाइटी इन विच ईच इंडिविजुअल कैपेबल, भाई लिबरल डिजायर करते हैं, मतलब लिबरल की डिजायर है कि वो क्रिएट करना चाहते हैं एक ऐसी सोसाइटी को जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो कैपेबल हो। ठीक है, डेवलपिंग फ्लोरिशिंग फुलनेस ऑफ हर पोटेंशियल, ये भी ठीक होगा। लिबरल डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सलिज्म, आपको पता है ये लोग यूनिवर्सलिज्म में बिलीव करते हैं, ये ऐसा नहीं होता, ये यूनिवर्सलिज्म में सार्वभौमिकता में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, डू नॉट बिलीव इंडिविजुअल लिबर्टी।
इंडिविजुअल लिबर्टीज फॉर लिबरल सुप्रीम पॉलिटिकल वैल्यू होती है, उनके लिए लिबर्टी सब कुछ है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल। तो सी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। हिंदी दिखाऊं? ठीक है, जेस मिल आपका आंसर है। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि जिस उद्देश्य के लिए किसी भी समुदाय के किसी भी सदस्य के खिलाफ शक्ति का सही इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। तो ये कौन बोलते हैं? राइट आंसर है आपका जेएस मिल। जेएस मिल इज द राइट आंसर, जो आप लोगों ने बोला वही ठीक है। देखो मैंने आपको करवाया था प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, करवाया था, याद है किसी को? कल परसों करवाया था, कल या परसों करवाया था प्रिवेंट हार्म टू अदर्स करके, ठीक है, ये वाला करवाया था। कहाँ पर? स्पेशल क्लास में, जो अभी 4 बजे क्लास है ना, स्पेशल क्लास, वहां पे करवाया था। ठीक है, अभी 4 बजे डेली 4 से 5 अनअकैडमी पे क्लास होती है, तो आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद हम लोग अनअकैडमी पे मिलेंगे फ्री क्लास में। हिंदी दिखाऊं इसकी, जल्दी दो इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? वर्ष 1960 में आर्मंड और पॉवेल, ठीक है, क्या करते हैं? संरचनात्मक कार्यात्मकता यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन था किसका? ईस्टर्न फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, डेल वाला, लूसियन पाए वाला या रोस्टो वाला। राइट आंसर क्या होगा इसका? वेरी गुड, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 1960, इन द ईयर 1960 एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बाय आर्मंड एंड पॉवेल वाज एप्लीकेशन ऑफ ईस्टर्न फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलेंगे अभी क्लास के अंदर, स्पेशल क्लास। ठीक है, तो जो बच्चे प्लस में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। प्लस के अंदर आप लोगों का पेपर 1 पेपर 2 दोनों अकेडमी पे मिल रहा है। अभी 10 तारीख से पेपर 1 की क्लास स्टार्ट हुई है, पेपर 2 के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, इसके लिए 3 कोर्सेज चल रहे हैं, तो जो बच्चे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिल रहे हैं, मेगा क्विजेस मिल रहे हैं, वीकली क्विजेस मिल रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट लिया जाता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये भी चीज़ है कि अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप सारे एडुकेटर्स को देख पाओगे, जितने भी अनअकैडमी पे एडुकेटर्स हैं सबकी क्लास ले पाओगे। तो मेरा रेफरल कोड जो है मीनाक्षी लाइव है, माय नेम इज मीनाक्षी, मीनाक्षी लाइव। ठीक है, तो आप लोग मीनाक्षी लाइव यूज करके 10% ऑफ पा सकते हो, यू कैन गेट 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना,